हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। गाइस, आज मैं आप लोगों को अपना रूम बताऊंगा कि शिप पर मुझे कैसा रूम मिला है और उसमें क्या क्या सुविधाएं मुझे मिली है। एक्चुअल क्या होता है कि जो शिप पर जो रूम होते हैं उन्हें कैबिन कहते हैं, और आज मैं आप लोगों को अपना कैबिन दिखाऊंगा और क्या क्या सुविधाएं मुझे मिली है ये सब कुछ मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। एक्चुअल क्या है कि जो सीफेयर्स होते हैं, जो सीमेंस होते हैं, जो जहाज़ पर काम करने वाले होते हैं, वो क्या है कि जहाज़ पर 6 महीने, 8 महीने या साल भर रहते हैं, तो उन्हें क्या क्या सुविधाएँ दी जाती है रहने के लिए, क्योंकि पूरा दिन काम करता है तो उनके उसके बाद में उन्हें रेस्ट भी चाहिए, सोने के लिए भी चाहिए, तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं होती हैं शिप पर, यह मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताऊंगा। और एक और बताता हूं कि जो शिप पर जो काम करने वाले, चाहे ऑफिसर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे क्रू हो, कोई भी हो, उन्हें सब इक्वल फैसिलिटीज़ मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफिसर्स को ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है और क्रू को कम मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑफिसर्स को मिलती है वही क्रू को फैसिलिटी मिलती है, सब कुछ सेम, सब कुछ इक्वल मिलता है। वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हमें कैसे कैबिन मिलते हैं रहने के लिए और क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। शिप पर ऐसे कैबिन मिलते हैं जो शिप पर जो काम करने वाले, चाहे क्रू हो, चाहे ऑफिसर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, कोई भी हो, उन लोगों को ऐसे रूम मिलते हैं और शिप पर रूम को कैबिन कहते हैं। और ये मेरा रूम है, ये देख लो, ऐसा रूम मुझे मिला हुआ है। ये सामने जो बेड लगा हुआ है मेरा, सिंगल बेड है, और ये है सोफा है, और ये फ्रिज है। अभी ज़्यादा कुछ अभी कुछ है नहीं, खाली है, ओनली एप्पल रखे हुए हैं, सेब रखे हुए हैं। और ये लैंप है काम करने के लिए, और ये मेज है कोई काम वाम करने के लिए, और चेयर लगी हुई है। गाइस, ऐसा ये जो रूम है, ये ऐसा रूम, जितना भी शिप पर जो काम करने वाले हैं उन सबको ऐसा रूम मिलता है। और ये नीचे देखो कालीन लगी हुई है, और ये सामने अलमारी है, इसमें कपड़े रखने के लिए अलमारी है हमारे, ये कपड़े रखे हुए हैं मेरे, ये कांच लगा हुआ है। गाइज, ये जो सामने आपको पोस्टर दिख रहे हैं दो, उनमें से एक पोस्टर, ये जो पोस्टर है वो लाइफ जैकेट का पोस्टर है। इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी होती है, जब जहाज या तो आग लग जाती है या फिर जहाज डूबने वाला होता है, तो कैप्टन 3 बार अबेंडनशिप 3 बार बोलता है, वर्बल ऑर्डर देता है, तब क्या होता है इस लाइफ जैकेट को पहन के लाइफ बोट या लाइफ राफ्ट में बैठना पड़ता है। अदरवाइज या फिर ऐसा कुछ नहीं है तो समुंदर में भी कूदना पड़ सकता है लाइफ जैकेट पहन के। और ये है इमर्सन सूट है, ये कोई कोल्ड एरिया में यदि इमरजेंसी हुई है, सर्दी वाले एरिया में, बर्फीले एरिया में जब इमरजेंसी हुई है या फिर समुंदर का पानी ठंडा है, तब ये इमर्सन सूट पहन के लाइफ बोट या लाइफ राफ्ट में बैठा जाता है, या फिर इसी को पहन के समुंदर में कूदा जाता है। ठीक है, ये पोस्टर है। और ये सारे जितने भी कैबिन हैं, जितने भी शिप पर कैबिन है, सब में ये होता है। और ये नीचे लोगो लगा हुआ है, ये जो लोगो है ये लाइफ जैकेट का है, ये इमर्सन सूट का है। मैं आपको बताता हूँ लाइफ जैकेट और इमर्सन सूट कैसे होते हैं। ये जितने भी कैबिन हैं उन सब कैबिनों में ये आपको मिलेगा, ये कंपलसरी ये होता है कैबिन में रखना। गाइस, ये लाइफ जैकेट है, ये लाइफ जैकेट है, तो कोई इमरजेंसी होती है तो इसे लेके जाना पड़ता है और इसे पहनना आना ज़रूरी है। ठीक है, और गाइस, ये है इमर्सन सूट है, आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो नीचे आपको दिख रहा होगा, तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। सॉरी गाइस, ये इमर्सन सूट है, अभी मैंने बैग से निकाला है इसे, ये देखो इससे ऐसे पहना जाता है, ये देखो ये पूरा इमर्सन सूट है। ये नीचे इसके सूज भी लगे हुए हैं, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, अटैच है ये सूज है। और ये ग्लव्स है,
सर्दी के लिए ये, और ये हेलमेट है। इसको पूरा पूरा मुंह इसमें मतलब पूरा फेस कवर किया जाता है इसके अंदर। ये इस टाइप का इमर्सन सूट होता है। और ये क्या होता है, जब कोल्ड एरिया में यदि कोई इमरजेंसी होती है तो इसे पहन के समुंदर में कूदना पड़ता है या फिर लाइफ जैकेट लाइफ बोट या लाइफ राफ्ट में बैठना पड़ता है। इससे क्या होता है कि सर्दी नहीं लगती। और ये आपको हर कैबिन में मिलेंगे। ये गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, जैसे प्लास्टिक का गार्बेज प्लास्टिक में डाला जाता है, पेपर का गार्बेज पेपर में डाला जाता है। ठीक है, एक बार और बताता हूँ अपना रूम। इस रूम में सब सुख सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए एक आदमी के पास, एक आदमी को रहने के लिए जो भी सुविधाएं मिलती है वो सब है इसमें। और ये मेरा वाशरूम है, अटैच है लैट्रिन बाथरूम। ये दिखाता हूँ आपको, ये लैट्रिन बाथरूम अटैच है, ये हर कैबिन में होता है। ठीक है, चलो गाइस मैं आप लोगों को बाहर से दिखाता हूँ कैसा दिखता है व्यू। आपने समुद्र का व्यू देखा तो होगा ही। ये देखो, अभी मेरा जहाज सिंगापुर जा रहा है। चलो गाइस, ओके बाय।